A column base is subjected to a moment if the intensity of bearing pressure due to axial load is equal to stress due to moment, then the bearing pressure between the base and the concrete is. यहाँ पर मैंने कॉलम बेस दिखाया हुआ है जो रेड कलर से आपको दिख रहा है. दिस इज द बेस प्लेट जो कि हमारा कॉलम स्टील का जो कॉलम है और हमारा जो कंक्रीट का पेडेस्टल है जिसके ऊपर हमारा ये कॉलम हमें सपोर्ट करना है, उसके थ्रू हमें ग्राउंड में लोड ट्रांसफर करना है. सो यहाँ पर हम बेस प्लेट या कॉलम बेस का यूज करते हैं जिसके बेसिक जो कंसेप्ट है मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं. सो अंडर द एप्लीकेशन ऑफ द लोड हमारा एक यूनिफॉर्म बियरिंग प्रेशर डेवलप होगा जिसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिपेंड करेगा कि हमारा जो लोड है वो कितनी इसेंट्रिसिटी से अप्लाई हो रहा है. तो यहाँ पर हमारा इसेंट्रिक लोड होने की वजह से मान लेते हैं कि हमारा ये जो लोड है इट इज इक्वलेंट टू अ डायरेक्ट लोड पी प्लस अ मोमेंट ऑफ इक्वल टू पी इंटू ई जो कि हमारा इसेंट्रिसिटी ई पर लग रहा है. इसको हमने कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्म में. तो इस एक्सियल लोड की वजह से जो हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, मान लेते हैं कि जो हमारी बेस प्लेट है या स्लैब बेस है जो कि स्टील की प्लेट होती है, अगर इसको हम ऐसे ड्रॉ करें एंड दिस इज द डायमेंशन एल इंटू बी, तो हमारा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो एल इंटू बी है और जो हमारा बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है, जो बेंडिंग मोमेंट की वजह से जो स्ट्रेस जनरेट हो रही है दैट विल बी प्लस माइनस एम अपॉन आई इंटू वाई. तो इसको आप सॉल्व करोगे फॉर दिस डायमेंशन यू विल गेट 6PE अपॉन बी एल स्क्वायर जो कि प्लस माइनस होगा. तो अगर हम इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह आपको मिलेगा. जो हमारा बेस प्लेट का जो बॉटम है जो कि कंक्रीट और हमारा स्टील प्लेट का इंटरफेस है वहाँ पे P अपॉन बी एल हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा. और जो इसेंट्रिसिटी की वजह से हमारा जो लोड होगा ये हमारा इसका जो नेचर होगा कंप्रेसिव होगा यूनिफॉर्मली और यहाँ पर ये जो बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो रही है ये हमारी कंप्रेसिव नेचर की है और यहाँ पे जो माइनस में दिखा रहे हैं इसको हम टेंशन मान रहे हैं. क्वेश्चन में दिया हुआ ये है कि हमारा जो ये फोर्स है पी बाई बी एल दैट इज इक्वल टू जो हमारा बेंडिंग की वजह से हमारा जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है. तो हमारा जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, तो अगर हम इन दोनों स्ट्रेसेस डिस्ट्रीब्यूशन को कंबाइन कर दें तो हमारा जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा जिसमें हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा दैट विल बी गिवन बाई पी अपॉन बी एल प्लस 6PE अपॉन बी एल स्क्वायर और जो हमारा मिनिमम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा मिनिमम स्ट्रेस होगा एट द बॉटम ऑफ द प्लेट ये हमारा कंप्रेसिव नेचर का ही रहेगा बट इसके साथ हमें निगेटिव जो हमारा स्ट्रेस डेवलप हो रही बेंडिंग स्ट्रेस उसको कंबाइन करना है. तो सिंस ये वैल्यू इक्वल है तो सिग्मा मिनिमम की वैल्यू गिवन केस के लिए हमारी जीरो हो जाएगी और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2P अपॉन BL. तो अगर इसको प्लॉट करोगे तो आपको ये ट्राइंगुलर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा जिसमें हमारा जीरो वैल्यू एट दी वन एज ऑफ द प्लेट कंप्रेसिव साइड ऑफ द प्लेट एक साइड प्लेट पे और दूसरे साइड पे हमारा जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा वो 2P अपॉन LB मिलेगा. सो अगर आप देखोगे कि हमारा इन दोनों इक्वेशंस जो क्वेश्चन में दिए इक्वेट करोगे तो आपको मिलेगा कि इसेंट्रिसिटी व्हेन लेस देन आर इक्वल टू एल बाई सिक्स होगी जब, तो हमारा जो बेस पे हमारा कोई भी टेंशन नहीं होगा. हम ये डिजायरेबल कंडीशन होती बिकॉज हमारा जो कंक्रीट है वो हमारा टेंशन नहीं रजिस्ट कर पाएगा. इस वजह से हम ये डिजायर करते हैं कि जो भी हमारा बियरिंग प्रेशर डेवलप हो रहा है कंक्रीट पे वो हमारा कंप्रेसिव नेचर का हो. तो जनरली ये देखा गया है इसी इक्वेशन से अगर देखोगे आप तो अगर इसेंट्रिसिटी एल बाई सिक्स से एल बाई थ्री के बीच में रहती है तो हमारी जो टेंशन की वैल्यू है वो स्मॉल टेंशन फोर्स टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं. जब हमारा इसेंट्रिसिटी जनरली ग्रेटर देन एल बाई थ्री हो जाता है तो हमारा जो बेंडिंग स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं उसकी वजह से जो टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में जनरेट होती हैं. तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारा यहाँ पर एक एंड पे हमारा जो बेंडिंग स्ट्रेस है कंबाइंड बेंडिंग स्ट्रेस है जीरो है और दूसरे पर हमारा कंप्रेशन ऑफ वैल्यू 2P/BL होगा. तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा. और जो हमारा ये बेस स्लैब होता है इसमें जो हमारी परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस होती है स्टील की प्लेट होती है दैट इज गिवन बाई 165
185 मेगा पास्कल, ये हमारा इंडिपेंडेंट अपॉन ऑफ ग्रेड ऑफ स्टील होता है, ठीक है। और ये फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट, जैसे अगर M15 की बात करें तो हमारा जो बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं, बियरिंग स्ट्रेसेस जो डेवलप होता है, बियरिंग प्रेशर, दैट इज अराउंड 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग द ग्रिलेज फाउंडेशन। तो यहां पर ग्रिलेज फाउंडेशन का मतलब है कि दिस इज अ स्टील बीम इनकेस्ड इन कंक्रीट, डिफरेंट टायर्स में हम, डिफरेंट लेयर्स में जब हम स्टील बीम्स को अरेंज करते हैं, तो यहां पर ये हमारी फर्स्ट टायर है जिसे हम टॉप टायर बोल रहे हैं, ये मिडिल टायर है, ये हमारा थर्ड टायर है। यहां पर आप देख रहे हैं कि जो हमारी आई सेक्शन की स्टील बीम्स हैं, ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेस की जाती हैं, एक लेयर में जो टायर में डायरेक्शन है ऊपर, उसके लेयर जो होगी वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। मींस अगर स्टील बीम पहली इस डायरेक्शन में, तो दूसरी इसके परपेंडिकुलर में होगी और थर्ड लेयर उसके परपेंडिकुलर होगी। तो नंबर ऑफ जो टायर्स होने चाहिए हमारे ग्रिलेज बेस में, वो हमारे मोर देन 2 होने चाहिए एटलीस्ट। तो यहां पर मैंने 3 टायर्स दिखाए हुए हैं। यहां पर फील्ड में ऐसे इसकी कास्टिंग की जाती है, यहां पर हमारी जो कंडीशंस हैं, हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है IS 800-1984, ये कहता है कि बिकॉज यहां पर ये जो ग्रिलेज बेस है, इन बीम्स को हम ग्रिलेज बीम्स भी बोलते हैं, जनरली हम इन्हें जहां पर हैवी लोड्स होते हैं, जहां पर हमारी टॉल बिल्डिंग्स होती हैं, तो वहां पर होता क्या, जो बेस की डायमेंशन होती है हमारी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इस वजह से हम ग्रिलेज बेस प्रोवाइड करते हैं एज अ फाउंडेशन ऑफ द कॉलम्स, जहां पर ये इंश्योर करते हैं कि जो बीम रहे वो हमारी अनपेंटेड रहे और प्रॉपरली हमारी कंक्रीट में इनकेस्ड रहे, जिसमें हम 10 mm एग्रीगेट साइज यूज करते हैं, और जो क्यूब स्ट्रेंथ हो एटलीस्ट हमारी M15 ग्रेड की कंक्रीट यूज होनी चाहिए, और पेंट नहीं करना है, बिकॉज अगर पेंट कर देंगे तो आपका जो बॉन्डिंग है कंक्रीट के साथ वो हमारी खराब हो जाएगी। द बीम्स इन ईच टायर आर स्पेस एज द मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन द फ्लैंजेस ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव बीम्स इज नॉट लेस देन 70 ft। मीन्स अगर बीम को ऐसे करके आप प्लेस कर रहे हो तो इन दोनों के बीच में जो दूरी है एटलीस्ट हमारी 75 mm होनी चाहिए, और जो हमारा इसकी स्पेसिंग मेंटेन करने के लिए हम पाइप सेपरेटर्स वेल्ड कर देते हैं, और मिनिमम कंक्रीट का जो कवर है वो 100 mm अरेंजमेंट, चारों तरफ से हमें 100 mm का कवर चाहिए होगा फॉर दी बीम्स। तो अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करें फॉर द लोडिंग पर्पस, तो कुछ इस तरह अगर आप ड्रॉ करोगे, यहां पर जो ये आपको दिख रही है, दिस इज द बेस प्लेट, जो कि हमारी कॉलम और जो टॉप टायर होगा उसके साथ वेल्डेड रहेगी, जिसे हम स्लैब बेस भी बोल रहे हैं। यहां पर जो ये आयरन प्लेट दिख रही है आपको, दिस इज द सेम बेस प्लेट जो आपको नीचे दिख रही है, ठीक है। और ये जो हमारी आई सेक्शन की बीम है, इसकी जो लेंथ है, हमने ये एल अज्यूम कर लिया, और ये हमारी टॉप टायर है जो कि हमारी बेस प्लेट के साथ अटैच्ड है। तो अगर इसकी लेंथ हम एल मान लें, तो हमारा जो मैक्सिमम शियर फोर्स होगा वो हमारा इनके जंक्शन पर डेवलप होगा, एंड दिस इज गिवन बाई, अगर आप इसको न्यूमेरिकली कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट P/2 L - A/L, जहां पर जो ए है वो हमारी इस बेस प्लेट की विड्थ है पैरेलल टू लेंथ एल, और जो इसका क्रॉस सेक्शन में अगर आप ड्रॉ करोगे तो इसकी डायमेंशन हमारी बी है। अगर दूसरे स्पैन में देखोगे आप, तो दूसरे स्पैन में हमारा जो मैक्सिमम शियर फोर्स डेवलप होगा दैट विल बी L/B/L। पी जो हमारा फोर्स है, ये कंसंट्रेटेड लोड जो हमारा कॉलम पे एक्ट कर रहा था, इसको हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और अगर जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो हमारा इस ग्रिलेज बीम के सेंटर पर होगा, ठीक है। और जो हमारा यूनिफॉर्म प्रेशर डेवलप हो रहा है दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो जो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो रहा है दैट इज इक्वल टू P/8 L - A। अगर आप विड्थ के डायरेक्शन में देखोगे तो P/8 B - B। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो। तो अगर हम डिटेल में जाएं इसके कि कैसे हमें कैलकुलेट करना है, तो जो हमारा बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं ग्रिलेज बीम्स में, हम वो 33 1/3% इंक्रीज कर लेते हैं, बिकॉज यहां पर जो
हमारी बीम्स हैं स्टील की, ये कंक्रीट में इनकेस्ड हैं, तो इनकेस्ड होने की वजह से हमारे देयर आर लेस वेरी लेस चांसेस ऑफ बकलिंग, इसी वजह से हम इनको कंक्रीट के अंदर इनकेस करके रखते हैं, बिकॉज अंडर द कंसंट्रेटेड लोड हमारी स्टील की बीम में बकलिंग होने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम बकलिंग के अगेंस्ट को प्रिवेंट करने के लिए हम इनकी इनकेसिंग कर देते हैं, तो जो हमारा प्राइमरी फंक्शन होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब डिजाइनिंग करते हैं तो इस सिग्मा बी के बेसिस पर और जो हमारा अप्लाइड मोमेंट है एम बाई जेड के बेसिस पर हम जेड रिक्वायर्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। जेड रिक्वायर्ड के करस्पॉन्डिंग हमारा एक आई सेक्शन हम सिलेक्ट करते हैं। आई सेक्शन सिलेक्ट करने के बाद हम जो हमारा टोटल लोड आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग हम हमें जो जेड चाहिए उसमें हम एन का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मींस एक लेयर में हमें कितनी बीम्स चाहिए। तो बेंडिंग मोमेंट से हम नंबर ऑफ बीम्स कैलकुलेट कर लेते हैं और हमें एक बीम का सेक्शन मॉडुलस क्या रखना है वो निकाल लेते हैं। उसके बाद हम उसको शियर के लिए चेक करते हैं कि जो हमारा मैक्सिमम शियर डेवलप हो रहा है विच इज इक्वल टू 1/n P/2 L/A/L। तो ये मैक्सिमम शियर डेवलप जो हो रहा है ये हमारा जो परमिसिबल जो अप्लाइड शियर फोर्स है उससे हमारा कम होना चाहिए, तो हमें शियर के लिए चेक करना है। और दूसरा हम इन ग्रिलेज बीम्स को आई सेक्शन बीम्स को क्रिपलिंग के लिए वेब क्रिपलिंग के लिए चेक करते हैं, बिकॉज हम ये मानते हैं कि अगर हमारा वेब क्रिपलिंग में सेफ है तो ऑटोमेटिकली हमारा बकलिंग में हमारी बीम सेक्शन सेफ होगी, और बिकॉज बकलिंग के चांसेस हमारे बहुत कम है बिकॉज कंक्रीट को हमने ऑलरेडी इनकेस किया हुआ है, सो वी ऑलवेज चेक फॉर वेब क्रिपलिंग रेदर देन कंप्रेशन, के लिए हम कोई चेक परफॉर्म नहीं करते। तो बेंडिंग के लिए हम डिजाइन करते हैं, शियर और वेब क्रिपलिंग के लिए हम अपने उस ग्रिलेज बीम्स को चेक करते हैं। तो जो है यहाँ थ्री टायर्स की आपको बीम दिख रही है, दीज आर द ग्रिलेज बीम्स, और यहां पर जो ये प्लेट दिख रही है ये हमारी बेस प्लेट है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर एक वेल्डिंग डिटेल्स दी हुई है और हमें वेल्डिंग नोटेशन आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डिफरेंट वेल्डिंग सिंबल्स हमारे पास क्या क्या अवेलेबल हैं। जैसे कि हमारा जो फिलेट वेल्ड है उसके लिए हम ये राइट ट्राइंगल यूज़ करते हैं, बिकॉज वेल्डिंग सिंबल्स जब भी हम साइट पे काम करने जा रहे हैं तो जो ड्राइंग्स होती हैं इन्हीं सिंबल्स के अकॉर्डिंगली हमारा ड्राइंग में नोटिफाई होता है कि हमें कौन सा वेल्ड स्ट्रक्चर में कहाँ पर करना है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्ड के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आप देख रहे हो डिफरेंट शेप्स हैं, ठीक है। सीम वेल्ड के लिए आपको ये शेप ड्राइंग में मिलेगा, स्पॉट वेल्ड के लिए एक सर्कल मिलेगा, प्लग वेल्ड के लिए ये मिलेगा, फील्ड वेल्ड के लिए आपको ये साइन मिलेगा। तो जनरली जो हमारे फ्लैट फिनिश्ड फिलेट वेल्ड्स हैं उसमें आपको ये शेप्स मिलेंगे, कॉन्वेक्स शेप के लिए ये, कॉन्केव शेप के लिए ये। तो जनरली जो हमारा नोटेशन है वो कुछ इस तरह का होता है कि एक हमारा रेफरेंस लाइन होती है, दिस इज दी रेफरेंस लाइन, ठीक है, और एक हमारा ये लाइन, इस लाइन को कहते हैं एरो लाइन, और ये हमारा जॉइंट है जो कि एक फ्लैट जॉइंट इंडिकेट कर रहा है फिनिश्ड फ्लश, ठीक है। तो ये रेफरेंस लाइन हो गई, और जो इंक्लाइंड लाइन है जिस पर हमारा एरो है दिस इज एरो लाइन, ठीक है। तो यहां पर कुछ इंडिकेशंस दिए हैं कि जो पोजीशन ऑफ एरो लाइन है विथ रिस्पेक्ट टू द वेल्ड इज जनरली नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। जो रेफरेंस लाइन हम यूज कर रहे हैं वो हमारी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और जो हमारी ड्राइंग की एज के पैरेलल होगी। अगर ये मान लें कि हमारी ये ड्राइंग शीट है तो हमें इस रेफरेंस लाइन को इस ड्राइंग शीट की एज के पैरेलल रखना है, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हमारा जो वेल्ड सिंबल है इज प्लेस्ड बिलो द रेफरेंस लाइन द वेल्ड फेस इज ऑन द एरो साइड ऑफ द जॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज हमारा कोई वेल्ड है इस तरह, अगर हम मान लें एक हमारा वेल्ड यहां पर है, ठीक है, हमें इस वेल्ड को दिखाना है एरो में, तो जो इस फेस में हमारे दो फेस हो गए यहां पर, एक फेस हमारा वेल्ड का ये हो गया, एक फेस हमारा वेल्ड का ये हो गया, अगर मान लो दोनों साइड हमारा वेल्ड है, तो आपको जो इंडिकेशन करना है कैसे करना है, यहां पर मैंने दिखाया हुआ है कि सबसे आप उसमें साइज ऑफ वेल्ड सबसे पहले मेंशन करोगे, उसके बाद हमारा शेप ऑफ वेल्ड रहेगा
यहाँ पर जैसे फिलेट वेल्ड हमारा दिखाया हुआ राइट ट्राइंगल से, उसके बाद हमारा कंटूर या हमारा फिनिश दिखाओगे कि कॉन्वेक्स है या कॉनकेव, अगर नहीं दिया तो आप इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारा लेंथ ऑफ वेल्ड रहता है और साथ साथ अनवेल्ड लेंथ रहती है। तो ये चार चीजें बेसिक रिक्वायरमेंट है, साइज, शेप, वेल्ड की लेंथ और अनवेल्ड पोर्शन की लेंथ। तो ये आपको इतना बेसिक जो रेफरेंस लाइन है उसके ऊपर या उसके नीचे आपको दिखाना है। तो जो एरो लाइन की पोजीशन है, सपोज अगर हमारा ये फिलेट वेल्ड आप यहां पर प्रोवाइड कर रहे हो दोनों फेस पे, तो जो हमारा ये फेस है, ये फेस वन मान लेते हैं, ये फेस टू मान लेते हैं, तो फेस वन का जो अगर हम इस तरह ये एरो इंडिकेट कर रहे हैं तो ये रेफरेंस लाइन है हमारी। तो जो फेस जिस तरफ हमारा एरो है, मींस एरो लाइन, हम इसको इस लाइन के नीचे जो पोर्शन है उसको हम एरो लाइन बोलेंगे, एरो साइड, और जो उसके ऊपर वाला साइड है इसको हम बोलेंगे अदर साइड। इसका मतलब, अदर साइड का मतलब है यहां पर इसके ऊपर जो होंगी इसके अपोजिट फेस की डिटेल्स आएंगी, और जो हमारा जिधर हमारा एरो है उधर का जो वेल्ड फेस है उसकी जो डिटेल्स होंगी वो हमारी रेफरेंस लाइन के नीचे आएंगी, मींस टुवर्ड्स द एरो साइड। तो ये आपको ध्यान रखना है, अपोजिट फेस की लाइन रेफरेंस लाइन के ऊपर आएंगी डिटेल्स, और जो उसी फेस में है हमारा वेल्ड वो उसके नीचे आएगा एरो लाइन के, जो कि एरो लाइन एरिया को इंडिकेट कर रहा है। यही चीज यहां पर लिखी हुई है, इफ द वेल्ड सिंबल इज प्लेस्ड बिलो द रेफरेंस लाइन, अगर वेल्ड सिंबल मींस अगर वेल्ड सिंबल हमारा फिलेट वेल्ड ये है, इसको आप नीचे की तरफ प्लेस कर रहे हो, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा वेल्ड फेस इज ऑन द एरो साइड ऑफ द ज्वाइंट। ये हमारा ज्वाइंट है और जो हमारा वेल्ड है इट इज ऑन द एरो साइड। एरो साइड का मतलब एरो हमने इधर बनाया हुआ है, तो हमारा ज्वाइंट एरो साइड जिधर है उधर का ये वाला साइज इंडिकेट कर रहा है, और इसकी जो डिटेल्स होंगी जो अपोजिट फेस पर है हमारा अदर साइड ऑफ द ज्वाइंट जो है साइड नंबर टू, उस पे जो वेल्ड फेस पर जो हमारी डिटेल्स हैं वो हमारी अदर साइड यानी रेफरेंस लाइन के ऊपर आपको ड्रॉ करनी है। तो अब आते हैं हम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। सबसे पहले तो अगर आप इस फिगर को देखोगे, ये जो हमारा यहां पर एक मेंबर हमारा ये है, ठीक है, इधर हमारा एक फेस है, वन फेस वन, वेल्ड फेस वन है, और इधर हमारा वेल्ड फेस टू है, ठीक है। और यहां पर जो फिगर दिया है आप देख रहे हो, यहां पर हमारा कॉन्टिन्यूस वेल्डिंग नहीं है, तो ये हमारा इंटरमिटेंट वेल्ड कहलाता है। इस तरह के जो वेल्ड्स होते हैं इंटरमिटेंट वेल्ड, और यहां पर आप देख रहे हो ये स्टैगर्ड पोजिशन में है ऐसे करके हैं, तो ये कहलाएगा हमारा इंटरमीडिएट स्टैगर्ड फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड इस तरह, बिकॉज यहां पर जो मेंबर्स हैं हमारे, जो इसका साइन है हैश पोजीशन में, इस तरह ही दिखाया जाता है हमारा फिलेट वेल्ड, कि हमारे जो मेंबर्स हैं ये डिफरेंट प्लेन्स में हैं, तो हम फिलेट वेल्ड ही प्रेफर करेंगे। और यहां पर साइज ऑफ वेल्ड दिया है कि हमारा वेल्ड फेस जो है ज्वाइंट, ये हमारा ज्वाइंट है, मेंबर के ज्वाइंट्स हैं दोनों तरफ, तो ज्वाइंट का लेफ्ट साइड यानी फेस टू की तरफ हमारा 8 mm वेल्ड साइज यूज हो रहा है और दूसरे साइड हमारा 10 mm वेल्ड साइज हो रहा है। अब अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो हमारा जो एरो की पोजीशन है वो हमारी कुछ इस तरह दी हुई है, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो वेल्ड है, यहां पर जो इस ये डर फेस है हमारा वेल्ड फेस वन है, जो कि हमारा इस पोजीशन को करस्पॉन्ड कर रहा है, और ये जो हमारा वेल्ड फेस टू है वो हमारा इस फेस को करस्पॉन्ड कर रहा है। अब हमने एरो जो किए मार किया है वो फेस वन की तरफ किया है, तो जो फेस वन की तरफ जो वेल्ड है उसकी आपकी डिटेल हमारी एरो साइड की तरफ रहेंगी, जो कि इस रेफरेंस लाइन के नीचे रहेंगी। तो अगर आप ड्रॉ करोगे इस फेस वन की तरफ से, अगर इसको हम रेफरेंस मान लें, ठीक है, ये हमारी एरो लाइन हो गई, ये हमारी रेफरेंस लाइन हो गई, तो सबसे पहले जो इस फेस पर जो आपके वेल्ड्स हैं वहां से बात करते हैं, जो फेस वन पर वेल्ड है, तो रेफरेंस लाइन पर सबसे पहले फिलेट वेल्ड है, तो आप राइट ट्राइंगल बनाएंगे। राइट ट्राइंगल के पहले आपको मेंशन करना होगा किस साइज का आपका वेल्ड है, तो यहाँ पे वेल्ड साइज 10 है, तो आप यहाँ आपको 10 लिखना है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा वेल्ड की लेंथ क्या है। साइज आपने लिख दिया, वेल्ड की लेंथ आप सबसे पहले स्टार्टिंग जहां से स्टार्टिंग हो रही है वेल्डिंग की वहां देखेंगे, तो सबसे पहले हमारी वेल्डिंग है, तो ये हमारी वेल्ड लेंथ जो है 75 mm है, तो आप 75 mm लिखेंगे
यूनिट्स आपको नहीं लिखनी है, बाय डिफॉल्ट एमएम में ही सारी यूनिट्स लिखी जाती हैं नोटेशन में। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये पोर्शन जो है हमारा, ये हमारा अनवेल्डेड है, ये अनवेल्डेड है और 100 mm है। तो अनवेल्डेड जो लेंथ है वो हमारी ब्रैकेट में लिखी जाती है हमेशा, कोई कॉमा नहीं लगाना आपको। तो 75 फिर ब्रैकेट में 100। अब आप देख रहे हैं यही सेम पैटर्न हमारा यहां पर रिपीट हो रहा है, 7500 पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो अब आपको फर्दर नहीं करना है, तो जो रिपीटिंग पैटर्न है वही आपको लिखना है। तो यहां पर ये जो इन्फॉर्मेशन है, तो पैटर्न वन की इन्फॉर्मेशन हमने आप यहां पे लिख दी। अब जो दूसरा फेस है, जो एरो हमने इस साइड बनाया था, तो जो इसके अपोजिट फेस है, ये हमारा मेंबर है, इसके अपोजिट फेस हमारा फेस टू है। तो इस फेस की डिटेल्स हमारी रेफरेंस लाइन के ऊपर आएंगी। तो हमारा वेल्ड साइज हो गया 8 mm। अब यहां पर स्टैगर्ड वेल्ड है, तो एक्चुअल में हमारा स्टैगरिंग करके हमें वेल्ड दिखाना होता है जब स्टैगर्ड वेल्ड होता है। यहां पर नहीं दिख रहा है वो चीज, पर एक्चुअल में ये थोड़ा सा स्टैगर्ड होंगे राइट ट्राइंगल जो हम बनाएंगे, बिकॉज स्टैगर्ड ज्वाइंट है। उसके बाद आपका स्टार्टिंग देखेंगे, तो सबसे पहले स्टार्टिंग जो है ये हमारी अनवेल्डेड पोर्शन से है, ठीक है, अनवेल्डेड है। तो अनवेल्डेड लेंथ हमारी 80 हो गई, तो यहां ब्रैकेट लगेगा आपका, बिकॉज अनवेल्डेड लेंथ को आपको ब्रैकेट में लिखना है। उसके बाद आपकी वेल्डेड लेंथ है, तो ये यहां पर ब्रैकेट नहीं लगेगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारा फिर से डिफरेंट